सेक्शन 10A आया था 2 नवंबर 2018, लेकिन इसके साथ रूल जो बना हुआ है नया रूल 23A ये आया 19 दिसंबर 2018, तो सेक्शन भी आया रूल भी आया और कुछ नया है, और मैं कहूंगा नया होते हुए डिस्कस तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, डिस्कस तो हम पहले से करते चले आए हैं, और दो फॉर्म्स फाइल करने के लिए कह रहे हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले दो फॉर्म फाइल करने हैं। और मैंने बहुत पहले हिस्टोरिकल कहानी भी बताई थी, थोड़ा सा आज भी रिपीट करूंगा। डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर रिगार्डिंग द रिसीट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड ऑल दैट विल अकंपनी आफ्टर 2 नवंबर 2018, और यू कैन से एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2 नवंबर 2018, या इनकॉर्पोरेटेड वर्ड ऐड कर लीजिए, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2 नवंबर 2018, हैविंग अ शेयर कैपिटल, मतलब हैविंग शेयर कैपिटल कौन सी कंपनी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कोई भी हो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एंड मे बी पब्लिक कंपनी, मे बी प्राइवेट कंपनी, सबके लिए पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, जब अ कंपनी बोल दिया तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी सबके लिए, हैविंग शेयर कैपिटल, शेल नॉट कमेंस एनी बिजनेस। अब ध्यान से देखना, दो चीजों के लिए मना कर रहे हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं, तो ऐसी कंपनी को दो चीजों के लिए मना कर रहे हैं, पहला ये कंपनी बिजनेस शुरू नहीं करेगी, और दूसरा ये कंपनी पैसा बोरो नहीं करेगी किसी भी फॉर्म में, मतलब ना तो डिबेंचर्स की फॉर्म में, ना बैंक लोन, ना डिपॉजिट्स, कुछ भी नहीं करेगी। कब तक? जब तक दो फॉर्म फाइल नहीं हो जाते, जब तक दो फॉर्म फाइल नहीं हो जाते। कौन से दो फॉर्म? एक तो डिक्लेरेशन फाइल करनी इन द फॉर्म INC 20A, और दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस का फॉर्म INC 22। तो जब तक ये दो फॉर्म फाइल नहीं हो जाते, दो काम नहीं करने। कौन से दो काम नहीं करने? बिजनेस शुरू नहीं करना और पैसा बोरो नहीं करना, कहीं से एक रुपया भी बोरो नहीं करना, नॉट इवन 1 रुपी, बैंक लोन वगैरह कुछ नहीं लेना। और ऑलरेडी बता चुका हूं फॉर्म INC 20A कितने दिन में फाइल करना है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये भी बता चुका हूं इसमें डिक्लेरेशन में लिखते क्या है, डिक्लेरेशन में क्या लिखते हैं INC 20A में, दैट एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है, क्या पे कर दिया, द वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम एट द टाइम ऑफ साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA साइन करते समय अपने नाम के आगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे थे उनकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और वो सब्सक्राइबर ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, चाहे नाम के सामने 1 शेयर लिखा था, चाहे 100 शेयर लिखे थे, चाहे 1,00,000 शेयर लिखे थे, उसकी पेमेंट हो चुकी है, एंड मे बी डिफरेंट सब्सक्राइबर्स राइटिंग डिफरेंट अमाउंट दैट इज देयर। और दूसरा विल रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए फॉर्म INC 22 फाइल करना है अलॉन्ग विद दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और यहां पर टाइम लिमिट 180 डेज नहीं है, कितना है, 30 डेज है, तो बस ये दो टाइम लिमिट्स थोड़ा सा अलग अलग हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 180 डेज एंड 30 डेज। पेनल्टीज आर देयर, पेनल्टी वगैरह, अगर डिफॉल्ट होता है, लेट फाइलिंग होती है, गड़बड़ करते हैं, तो कंपनी के लिए भी, कंपनी इज ऑल्सो लाइबल, कंपनी के लिए पेनल्टी है 50,000 रुपीज अगर लेट फाइलिंग करते हैं, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है कंपनी में उनके लिए पेनल्टी है ₹1,000 per day ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस बट नॉट एक्सीडिंग ₹1,00,000। तो 180 डेज में फॉर्म फाइल करना था, 180 डेज में फाइल नहीं किया, तो कहने से 181st day जो है वो हमारा फर्स्ट डे ऑफ डिफॉल्ट है, कैन आई से दैट, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ डिफॉल्ट। तो अगर 180 डेज में फाइलिंग नहीं की, तो अगर 180 डेज में फाइलिंग नहीं की तो 181st day जो है वो फर्स्ट डे ऑफ डिफॉल्ट बनेगा, तो वहां से 1,000 per day शुरू हो जाएगा, और फिर वो ₹1,000 per day चलते चलते कहां तक जाएगा, 100 दिन तक बढ़ेगा, ₹1,000 per day मल्टीप्लाइड बाय 100 डेज That goes up to 1,00,000 rupees, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर पेनल्टी नहीं बढ़ेगी, getting that? कंपनी के लिए फिक्स्ड है कितनी, 50,000 rupees, और लिखा पेनल्टी ऑफ 50,000 rupees, मतलब ना कम ना ज्यादा, कई बार लिखा होता है पेनल्टी में एक्सटेंड अप टू,
और शेल नॉट एक्सीड दिस मच, तो मतलब वो तो मैक्सिमम होता है, मे बी अप टू 50,000 रुपीज. यहां तो लिखा है पेनल्टी ऑफ एग्जैक्ट 50,000, ना कम ना ज्यादा. और इधर जो है यहां पर भी पेनल्टी ऑफ 1,000 पर डे फिक्स्ड है, लेकिन 1,000 पर डे मल्टीप्लाइड बाय 100 डेज, रुपीज 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डेज, तो दैट रीचेस 1,00,000, और वहां तक पहुंचकर खत्म, उसके बाद नहीं बढ़ेगी. और आईएनसी थर्डू वाले केस में तो अगर फाइल नहीं किया तो पेनल्टी कब से शुरू हो जाएगी? अगर 30 दिन में फाइल नहीं किया तो 31st डे से शुरू हो जाएगी. अगर दोनों ही फॉर्म फाइल नहीं किए तो उनको दो डिफॉल्ट मानूं या एक डिफॉल्ट मानूं? हमने आईएनसी 32 जो पहले फाइल किया था उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया था, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं दिया था. और बाद में आईएनसी 22 भी फाइल नहीं किया और आईएनसी 20A भी फाइल नहीं किया, तो इज इट वन सिंगल डिफॉल्ट और टू डिफॉल्ट? देन इट इज टू डिफॉल्ट, और दोनों की पेनल्टी अलग अलग होगी. तो 31st डे पेनल्टी कौन सी वाली लग जाएगी? आईएनसी 22 फाइल न करने की पेनल्टी तो 31st डे लग जाएगी, कंपनी को 50,000 और ऑफिसर का 1,000 रुपीज पर डे वहां से शुरू हो जाएगा. और आईएनसी 20A फाइल नहीं करेंगे तो वो सेकंड डिफॉल्ट है, और उस सेकंड डिफॉल्ट के लिए फिर कंपनी के लिए 50,000 एक बार और, तो कंपनी का तो 50,000 प्लस 50,000 1,00,000. दीज आर टू डिफरेंट डिफॉल्ट, दो फॉर्म्स फाइल ना करना. सो द कंपनी शेल नॉट कमेंस द बिजनेस एंड द कंपनी शेल नॉट एक्सरसाइज द बोरोइंग पावर अनलेस दीज फॉर्म्स आर फाइल्ड, जब तक फॉर्म्स फाइल नहीं हो जाते. और कंपनी ने फॉर्म्स फाइल भी नहीं की और बिजनेस शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट है. कंपनी ने फॉर्म्स फाइल नहीं की और कंपनी ने पैसा बोरो करना शुरू कर दिया तो डिफॉल्ट हो ही रहा है, देन द डिफॉल्ट इज हैपनिंग. अच्छा, कंपनी ने फॉर्म्स फाइल नहीं किए लेकिन कंपनी ने पैसा भी बोरो नहीं किया, कंपनी ने बिजनेस एक्टिविटी भी शुरू नहीं की, कंपनी ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवाई है, एक ईजीएम करवाई है किसी काम के लिए शेयर होल्डर्स की, चलेगा? हाँ जी, क्या कहेंगे? विल और विद इन 30 डेज ही करवा ली, विद इन 30 डेज फटाफट एक ईजीएम करवा ली. इज इट कॉन्ट्रावेंशन? अभी तो 30 डेज भी खत्म नहीं हुए, उसके अंदर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा ली अपनी, पैसा बोरो नहीं किया और बिजनेस भी शुरू नहीं किया ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बिजनेस दिया, लेकिन 30 दिन खत्म होने से पहले पहले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा ली है फॉर सम अर्जेंट वर्क, शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, वो चलेगा, उसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट. देन आरओसी मे रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. और हम कह रहे हैं अगर ये फॉर्म्स फाइल नहीं किए तो, अगर ये डिक्लेरेशन आईएनसी 20A फाइल नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, तो और आरओसी को रीजनेबल कॉज लग रहा है कि कंपनी कोई बिजनेस तो आजकल कर नहीं रही है, वही पेपर कंपनी बनाई है, पेपर कंपनी बबल बनाया है और बिजनेस करने के लिए नहीं, टैक्स इवेजन के लिए. आरओसी में विदाउट प्रिजराइज टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2 एज गिवन अबव, ऊपर जो फाइन पेनल्टी है उसको प्रिजराइज किए बिना, द आरओसी में इनिशिएट द एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. और इनिशिएट द एक्शन शब्द का मतलब क्या है? लव लेटर, लव लेटर भेजेगा क्या? कहां हो? तो आरओसी विल इनिशिएट द एक्शन और पूछेगा कहां हो, और जवाब नहीं दिया तो मतलब मान लेगा कहीं नहीं हो एंड स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. तो कुल मिलाकर खैर कहानी बड़ी सीधी सी है. एंड देन आई विल से रूल 23A इसी में एड ऑन कर रहा है, और जो नीचे पढ़ने वाले हैं वो भी आपको बिना पढ़े ऑलरेडी पता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर के साथ. दैट वाज कि फॉर्म INC 20A जब जाता है, एक चीज तो इसमें लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर भी और रूल में भी कि इट हैज टू बी वेरीफाइड बाय CS, CA और CWA इन प्रैक्टिस. और फॉर्म INC 20A में कंपनी का जो डायरेक्टर है वो तो साइन करेगा ही करेगा, डायरेक्टर भी साइन करेगा, प्लस कौन साइन करेगा? प्रैक्टिसिंग CS और प्रैक्टिसिंग CA और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो लोग भी साइन करेंगे, कोई एक, एनी वन ऑफ देम. ये बाहर वालों से क्यों साइन करवा रहे हैं, आउटसाइड एजेंसी से? तो ई फाइलिंग के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एक चीज, वो प्री सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्री सर्टिफिकेशन. और एक आउटसाइड एजेंसी से साइन करवाने का मतलब ये होता है कि एक भरोसा हो जाता है कि फॉर्म में कोई फ्रॉड नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है.
अगर डायरेक्टर अकेला साइन कर रहा है तो उस पर उतना भरोसा नहीं होता। एक आउटसाइड एजेंसी साइन कर रही है तो मतलब उसने प्रोफेशनल फीस ली होगी, चेक किया होगा, फॉर्म को चेक किया होगा कि फॉर्म में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इसलिए दो लोगों से साइन करवा रहे हैं। एंड देन वी आर सेइंग इन द एंड इन केस ऑफ अ कंपनी जिनके ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऐसा है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द सेक्टोरल रेगुलेटर लाइक आरबीआई, सीबीआई, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल जो भी उनसे मिला है वो भी अटैच कर दीजिएगा अलॉन्ग विद द फॉर्म INC 20A। ये हमने ऑलरेडी कर लिया, वी हैव डन इट ऑलरेडी, तो नथिंग न्यू कमिंग अप ओवर हियर। और मैं कहूंगा इस पेज पे कुछ नया नहीं मिला है सच कि हम कहें कि हमें कुछ नया मिला है, सब कुछ हमें पहले से पता था। लेकिन एक चीज जो हिस्टोरिकल कहानी मैंने आपको पहले बताई थी, अब सिर्फ स्क्रीन पे एक बार दिखा रहा हूं, जस्ट शोइंग दैट ऑन स्क्रीन वंस। हम लोग ऐसा कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग कहानियां रही हैं, अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग कहानियां रही हैं। और किसी जमाने में ओल्ड कम्युनिज एक्ट 1956 के टाइम पे, जब कम्युनिज एक्ट 1956 था, तब कहते थे कि प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, और प्राइवेट कंपनी को तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए होता था। पब्लिक कंपनीज को कहते थे कि पब्लिक कंपनीज हैव टू ऑब्टेन टू सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ROC। उस जमाने में कंपनीज एक्ट 1956 में पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता था ड्यूरिंग दोज डेज। फिर जब न्यू कंपनीज एक्ट आया 1 अप्रैल 2014 न्यू कंपनीज एक्ट आया, तो नया कॉन्सेप्ट आया सेक्शन 11 इन द न्यू कंपनीज एक्ट, और सेक्शन 11 लेकर आए और बोला ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल शेल फाइल द टू फॉर्म्स टू द ROC बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग द बोरोइंग पावर्स। INC 21 फाइल करवाते थे विद इन 180 डेज और INC 22 फाइल करवाते थे विद इन 30 डेज जब न्यू कंपनीज एक्ट आया। फिर और बोला कि ROC कोई सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू नहीं करेगा, ROC विल नॉट इशू एनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो नहीं देगा। फॉर्म फाइल करो बट ROC विल नॉट गिव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर्म फाइल करने के बाद आप बिजनेस अगले दिन नेक्स्ट डे शुरू कर लो, पहले फॉर्म फाइल करो अगले दिन से बिजनेस शुरू करो। फिर 25 मई 2015 को, या बेसिकली मैं तो बोलता रहता हूँ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया तो सेक्शन 11 को एबॉलिश कर दिया गया और उसके साथ साथ फॉर्म INC 21 को भी एबॉलिश कर दिया गया, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि फॉर्म INC 22 फाइल करना है बस, और वो आप फाइल कर सकते हो इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस पहले शुरू कर लो, INC 22 बाद में फाइल कर देना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो तो था ही। INC 22 को एबॉलिश नहीं किया गया था, बट ये एक बड़ी मेजर इवेंट हुई कि INC 11 भी एबॉलिश कर दिया गया और सेक्शन 11 और INC 21 एबॉलिश कर दिया गया था। फिर वो 1 नवंबर या 2 नवंबर 2018 कहना चाहिए, वो डेट्स में एक दो तारीखों का आगे पीछे फर्क हो सकता है, बट आई एम नॉट वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द डेट्स एनी हाउस। मतलब आज की तारीख में अब जो सिचुएशन है वो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 जब आया उसके बाद से, फिर वो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 ने उसको रिपीट किया, कंपनीज अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 ने फिर उसको रिपीट किया। जो न्यू सेक्शन अब आ गया है, न्यू सेक्शन 10A, एंड दैट सेज ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल शेल फाइल टू फॉर्म्स टू द ROC बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड बिफोर एक्सरसाइजिंग बोरोइंग पावर्स। अब वो फॉर्म इज INC 20A, टाइम पीरियड इज 180 डेज, INC 22 पहले भी था अभी भी है, और आज भी वही बोलते हैं ROC विल नॉट इशू एनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और ऑल कंपनीज जब बोलता हूँ तो पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज सब आ जाती हैं। सिर्फ थोड़ा सा अजीब ये लगता है कि कुछ टाइम के लिए बीच में हटा दिया फिर वापस लेकर आ रहे हैं, पहले सेक्शन 11 था अभी सेक्शन 10A है, पहले फॉर्म INC 21 था अभी फॉर्म INC 20A है। मतलब लॉ मेकर क्या तमाशा खेल रहा है पता नहीं, कभी हटा देते हैं, एबॉलिश कर देते हैं, कभी वापस ले आते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए आज की तारीख में प्रैक्टिकली अब यूजफुल सिर्फ क्या है, जो लास्ट कॉलम में आपको दिख रहा है। तो जो फर्स्ट 3 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं
वो तो एग्जाम के लिए नहीं है, दे आर नॉट फॉर एग्जाम. मतलब आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था फिर क्या हुआ. आज की तारीख में तो अब सिर्फ रेलिवेंट क्या है, ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल विल हैव टू फाइल टू फॉर्म्स टू द आरओसी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. गेटिंग दिस? तो लॉ मेकर के दिमाग में क्या चल रहा है? कभी कभी लगता है कि चलो लॉ मेकर लॉजिकल है, कभी लगता है कि क्या खेल खेल रहे हैं. मतलब सांप सीढ़ी है वो, कभी देखा वो 99 तक पहुंचते हैं फिर नीचे आ जाते हैं. वो 99 वाला सांप वो सबसे बड़ा वाला होता है और वो बड़ा गंदा वाला होता है. हाँ, तो वही वही चीज लगती है भाई, कभी ऊपर चढ़ा देते हो कभी नीचे गिरा देते हो. यही खेल खेला जा रहा है और क्या हो रहा है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. बट सिर्फ मैं यहां इस पेज पे एक चीज यहां याद दिलवाना चाहता हूं कि हम एक चीज के ऊपर ना जोर कम देते हैं और वो क्या है, बोरोइंग पावर्स. यहां थोड़ा सा इस पे जोर ज्यादा देना प्लीज. दो काम नहीं करेगी कंपनी, कौन से दो काम? एक तो बिजनेस शुरू नहीं करेगी और एक बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेगी बिफोर फाइलिंग दीज टू फॉर्म्स, जब तक ये दो फॉर्म्स फाइल नहीं हो जाते. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली टुडे आई स्टॉप इट ओवर हेयर राइट नाउ.